भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह रासवा सांसद दीपक प्रकाश रांची स्थित अपने आवास पर रिन पास काके में अस्थायी रूप से कार्यरत सभी 54 नर्सों पर बात करते हुए कहा कि रिन पास रांची में कार्यरत सभी 54 नर्सों की नौकरी अस्थायी होनी चाहिए, लेकिन राज्य की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार लूटपाट में मस्त है तथा उन्होंने रिन पास के डायरेक्टर से दूरभाष से बातें करते हुए कहा कि इन बहनों को नौकरी से नहीं निकाला जाए। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। पास की बहनें जो आज नर्सिंग का काम कर रही हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, कोविड के कालखंड में ऐतिहासिक काम किया, त्याग और तपस्या की प्रतीक, उनकी नौकरी अस्थाई होनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार लूट पाट में मस्त है, जनता पस्त है और बेचारी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं जो देश की सेवा कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, रिन पास में सेवा कर रही है, वो आज परेशान है, परेशान है, परेशान है। सरकार संवेदनहीन है, आत्माहीन है।